सभी सब बढ़िया सर। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सफी मोहम्मद है और मैं दिल्ली से हूँ। और मैं दिल्ली में, मेरे को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ, लगभग 7 साल हुए रहते हुए मैं यहाँ पर आया था 2012। और हम लोग एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जुड़े हुए हैं जहाँ पर हम हेल्दी रह सकते हैं, सारे ड्रीम्स अपने पूरे कर सकते हैं जो अपने सपने में सोचे हो या ना सोचे हो, ठीक है ना। क्योंकि हेल्दी रहना सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, अपना हेल्दी रहना। पैसे तो हम कभी नहीं कमा सकते, जैसे कहो अगर हमने पैसे भी कमा लिए और हमें कोई ऐसी क्रोनिक बीमारी हो गई कि हमें 2-4 सेकंड जाना ही जाना है, तो ये अच्छी बात है, बुरी बात है। वो पैसे का सब मजा बेकार हो जाता है और हम उसको यूज ही नहीं कर पाते पैसे को, और पैसे के चक्कर में उसकी सेहत खराब कर देते। तो इसको हम जो बात करते हैं, हमें क्यों करना चाहिए, तो उस पर बात करेंगे हमें क्यों करना चाहिए। अगर हम ज़्यादा लोगों की समाज सेवा करना चाहते हैं और अपने लिए पैसे कमाना चाहते हैं और देश विदेश की सैर करना चाहते हैं और बहुत सारे लोग हमारा परिवार हो ऐसा हम चाहते हों और लोगों की दुआएं हमें मिलें ऐसा हम चाहते हों और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर ऐसी हैं जो हमने कभी भाव में नहीं सोची वो मिल सकती है, ऐसा अगर चाहते हों तो आप इससे सोच सकते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज़ इसमें हेल्थ, कि आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो मैं बताऊँगा आपको हेल्थ के बारे में, ये क्या टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है। जब तक आपको टेक्नोलॉजी समझ नहीं आएगी आपके लिए सब चीज़ बेकार है। क्योंकि सबसे पहले हम हेल्थ पे बात करते हैं, अगर हेल्थ ठीक नहीं होगी तो कुछ चीज़ नहीं होगी। तो सबसे पहले हम हेल्थ पे बात करते हैं, हेल्थ के बारे में बताता हूँ। ये दुनिया की सबसे बड़ी वो आरएनडी है जहाँ पर 1250 वैज्ञानिक हैं जो रात दिन रिसर्च करते हैं, एक तो बीमारियाँ आती है बीमारी ही ना आए हमारे पास, अच्छी बात है या नहीं? अच्छी बात है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी आरएनडी है, मैं कह रहा हूँ दुनिया की सबसे बड़ी आरएनडी, कहना आसान है लेकिन उसको दिखाना बहुत मुश्किल है। ये दुनिया की सबसे बड़ी वो आरएनडी है जो रात दिन इंसान की बॉडी रिसर्च करती है कि बीमारी आ रही है क्यों आ रही है, हमारे पास बीमारी ही ना आए। हम लोग काम कर रहे हैं कि लोग बीमार ना हो, डॉक्टर आने का इंतजार ना करें, पहले से प्रिपेयर रहें, पहले से समझें कि हमें क्या इंडिकेशन हमारे पास आ रहा है, क्या बीमारी हो सकती है, ठीक है ना। जैसे पेट्रोल में, पेट्रोल का एक इंडिकेशन होता है, हमारे स्कूटर में होता है, हमारे कार में होता है, इंडिकेशन होता है कि वो पेट्रोल रिजर्व में ले जाती है और इंडिकेशन देता है कार रिजर्व में आ गई, लेकिन हम बाद में रिजर्व करवाते पेट्रोल नहीं करवाते और सोचते हैं चलो देखिए चलाते रहते हैं तो प्रभाव में क्या होता है, धक्के मार के लेकर लेके आते हैं। तो इसी तरीके से हमारे शरीर इंडिकेशन देता रहता है कि हाँ ये मेरे को दिक्कत आ रही है, दिक्कत आ रही है, क्या सोचते हैं चलो देखिए डॉक्टर को देखी जाएगी, और जब ज़्यादा क्रोनिक बीमारी हो जाती है तो हम फिर बेड पर चले जाते हैं और फिर बहुत सारा पैसा खर्च करने के बाद भी नहीं ठीक हो पाते, होता नहीं होता है। बहुत सारे पेशेंट आपने देखा होगा कि सारी जाँच कराई हुई है और सारी जाँचों में उनका जाँच जो है वो बिल्कुल नॉर्मल आ रही है, कोई बीमारी नहीं आ रही किसी ब्लड में किसी तरीके से, 10,000 आपको खर्च करते हैं जहाँ जाँच भी, फिर उनको कोई बीमारी नहीं आ रही लेकिन मरीज परेशान है। तो वो इसलिए है कि 30 से 40 परसेंट बीमारी को इंडिकेट करता है हमारा एलोपैथी, जो हमारी जांच होती है ब्लड में, 30 से 40 परसेंट बीमारी जो बॉडी में आ जाती है तब वो बताता है, तब वहाँ पर जांच में आती है या आपके इसमें ये दिक्कत है। अगर 30-40% से नीचे रहती है तो उसमें कुछ नहीं आता, नॉर्मल आती है। और कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो 20% बीमारी पर बहुत परेशान रहते हैं और कुछ मरीज ऐसे होते हैं कि 60-70% बीमारी पर उनको कुछ पता नहीं चलता। बहुत सारे पेशेंट देखोगे आपने, कोई शौक नहीं खाते थे, कोई गुटखा नहीं खाते थे, कुछ नहीं खाते थे और उनको पता लगा कि उनके किडनी में थोड़ा सा दर्द वर्द होने लगा, उनको पेन हुआ, वो हॉस्पिटल गए और उनको डायरेक्ट डायलिसिस पर ले लिया गया। और डायलिसिस का मतलब है कि आदमी को ऊपर जाने जाना है, एक साल डायलिसिस होगी, 2 लाख साल डायलिसिस, 6 महीने डायलिसिस होगी और पूरा पैसा खर्च हो जाएगा काम के लिए, जितनी प्रॉपर्टी बनाए सब खर्च, खेती बनाए सब खर्च, ऐसा होता है। और इसके बाद भी फिर उसका कोई इलाज नहीं है। डायलिसिस जब होती है 60-70% से ज़्यादा मतलब किडनी आपकी खराब हो जाती है। तो यहाँ पर एक ऐसा सिस्टम है कि आपको बहुत कम पैसों में आप जांच करा सकते हो, बिना ब्लड के करा सकते हो, हर महीने करा सकते हो, कि आपको 10% भी कोई बीमारी आने वाली हो तो वो बता दी जाएगी कैसा रहेगा। 10%-20% भी आपकी बीमारी बॉडी में आ रही है और वो इंडिकेट करके बता रहे हैं आपको कि ये बीमारी आपको आने वाली है, अभी महसूस नहीं हो रही आपको, ये आने वाली बीमारी है, इसको ब्लड सर्कुलेशन से आपको ठीक कर सकते हो। हमारे शरीर में बीमारियाँ क्यों आती है, इसको हमें समझना कि हमारे शरीर में बीमारी क्यों आती है। हमारे शरीर में बीमारी 2 तरीके से आती है, कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है। हम जो आज कोई काम कर रहे हैं तो हमारा कोई ऐसा काम नहीं जिससे हमारी एक्सरसाइज हो रही हो, या हम डेली किसी जिम में जा रहे हो, या हम कोई दौड़ लगा रहे हो, या हम साइकिल चला रहे हो, ऐसा हो रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा है, या हम नंगे पैर चल रहे हो, ऐसा नहीं हो रहा। दूसरा क्या है कि हमारी एक्सरसाइज 0 है और हम खा कह रहे हैं 0 डेली जो है, हम स्लो पोषण डेली हम खा रहे हैं, स्लो पोषण डेली खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, सब्जियों द्वारा खा रहे हैं, फल के द्वारा खा रहे हैं, हवा के द्वारा खा रहे हैं, रेडिएशन द्वारा खा रहे हैं, डेली स्लो पोषण हमारी बॉडी में जा रहा है। जब पोषण डेली जाएगा तो क्या होगा, बीमारी आएगी नहीं।
60-70% बीमारियां आ रही है मोबाइल की रेडिएशन की वजह से आ रही है। मोबाइल की रेडिएशन में हमारे ब्लड में क्लॉटिंग होती है और हमारे शरीर के अंदर 72,000 किलोमीटर नसें होती है। कितनी होती है? पूरे शरीर के अंदर 72,000 किलोमीटर नसें आपके शरीर में, जो आंखों में है, दांतों में है, लीवर में है, किडनी में है, ब्रेन में, जितने हमारे ऑर्गन्स है सब में, नसों में सारा सर्कुलेशन होता है। और जहां भी सर्कुलेशन आपका बैड होगा, जहां भी सर्कुलेशन आपका कम होगा, वहीं कोई बीमारी बन जाएगी। अगर पैनक्रियाज जो बैड है तो आपका आपको इंसुलिन आपको नहीं बनेगी, आपको डायबिटीज हो जाएगी। अगर ब्रेन में है तो सर में दर्द होगा आपको, ठीक है ना। अगर आपको हार्मोन्स आपका इम्बेलेंस होगा तो आपको थायराइड हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमारा सर्कुलेशन अच्छा होता गुड होता है तो हमारे शरीर में कोई भी बीमारी नहीं होती है। तो आपने दो चीज समझी, तो डिटेक्ट करना सीखा कि हम बीमारियों को कैसे चेक करते हैं। दूसरा हमने कि हमारे शरीर बीमारी क्यों आती है, हम उसको ब्लड सर्कुलेशन द्वारा ब्लड बीमारी को ठीक कर सकते हैं। तीसरा क्या होता है कि हमारा सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो रहा है, हम खूब एक्सरसाइज कर रहे हैं, लेकिन हम बैलेंस डाइट नहीं खा पा रहे हैं। जो चीज़ हमें कमी है हमारे शरीर में, जिंक की कमी है और हम जिंक नहीं खा पा रहे, बहुत दिनों बाद खाते हैं तो थोड़ी खाते हैं, जिंक की पूर्ति नहीं हो पा रही। जैसे गाड़ी में बहुत सारी चीज़ होती है, अगर हवा नहीं है तो गाड़ी नहीं चलेगी, अगर चेन नहीं तो गाड़ी नहीं चलेगी, अगर पेट्रोल नहीं तो गाड़ी चलेगी, मोर नहीं। ऐसी तरीके से हमारे शरीर में मिनरल्स, विटामिन, प्रोटीन बहुत सारी चीज़ होती है और हम उनको कभी महसूस ही नहीं करते कि इसको भी कुछ चीज़ों की जरूरत पड़ती है। हम काम करते रहते हैं क्योंकि फ्री में मिली हुई है। अगर नहीं, इसी कीमत कौन जानता है? हमारी माँ जिसने 9 महीने पेट में रखा वो जानता है, बाकी कोई नहीं जानता, हम भी नहीं जानते। हम भी ऐसे काम करते रहते हैं, चलो देखी जाए कभी खाना खा लिया कभी नहीं खा लिया, कल कोई चीज़ खा ली कभी नहीं खा ली। तो हमें अगर स्वस्थ जीवन जीना है, स्वस्थ रहना है और अपना जब तक जीवन है, जब तक बढ़िया तरीके से जीना है, तो हमें इन सब चीज़ों को समझना पड़ेगा। और अगर पैसे कमाने के चक्कर भी लगे रहेंगे तो अपने शरीर खराब कर देंगे और दुनिया से ऐसे चले। तो यहाँ पर मैंने बताया आपको कि हम अच्छे सर्कुलेशन के साथ और अच्छी बैलेंस डाइट के साथ अगर रहेंगे तो हम अच्छा जीवन जी सकते हैं और हम स्वस्थ रह सकते हैं। और मेरे को 6 साल 3 महीने आज हुए, मैंने अभी तक 15 देशों में ट्रेनिंग ली है इसकी जो है, लंदन है, फ्रांस है, चेन है, हांगकॉन्ग, मलेशिया, थाईलैंड, बहुत सारे देशों में घूमा है। और बहुत सारे देशों में मैं पहले भी ऐसा था कि जांच नहीं कराता था। इससे कि मैं जो चीज़ बता रहा हूँ, मैं अपनी आप की चीज़ बता रहा हूँ आपको, यह है कि ज़्यादातर लोग इसी में रहते हैं कि बीमारी होगी तो देखी जाएगी। लेकिन भगवान की को अच्छी प्लानिंग थी, तो अच्छा काम कर लेना चाहता था मेरे से, जो कोई समाज सेवा कराना चाहता था, तो मेरे को ये प्लेटफॉर्म दिया और इस प्लेटफॉर्म द्वारा पूरे हिंदुस्तान में क्या मेरे को 50-60-70 देशों मेरे को लोग जाते हैं। तो उसका रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि हम अच्छा जीवन व्यतीत करें, हम पैसे ही बहुत कमाएं और इज्जत भी बहुत कमाएं, समाज में हमारी इज्जत हो, हमारे पास पैसा हो, हम लोगों की दुआएं लें, लोगों को स्वास्थ्य दें, ये सब चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं। किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं, कोई भी रीज़न हो सकता है। आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो ऐसे जुड़ सकते हैं, आप समाज की सेवा करना चाहते हैं तो ऐसे जुड़ सकते हैं, अपना एक बड़ा सा बिजनेस करना चाहते हैं तो ऐसे जुड़ सकते हैं। बहुत सारे रीज़न यहाँ पर होते हैं। हमारे जो ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं वो है मिस्टर ली जुनयांग, जो पूरी दुनिया में अमीर लोगों की लिस्ट में उनका नाम आता है। चाइना के 3 नंबर के अमीर आदमी हैं। उनका दुनिया में सोच ये है, उनकी यहाँ सोच ये है कि वन वर्ल्ड वन फैमिली, पूरी दुनिया एक ही है और एक ही फैमिली है। हमें कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए अपने स्वास्थ्य के बारे में कि हमें फला कंट्री का सामान यूज नहीं करना, हमें फला कंट्री का सामान यूज नहीं करना। स्वास्थ्य के मामले में कहीं से भी कुछ चीज़ मिलती है हमें लेकर देती है। अगर कोई हमारा दुश्मन देश भी है, कोई पड़ोसी का दुश्मन देश भी है, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए कोई चीज़ दे रहा है तो हमें ले लेनी चाहिए। लड़के ताकत हो जाएंगे, लड़ने के बाद लड़ने की ताकत दीजिए, वहाँ पर राम 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 खड़े होंगे चार होंगे तो क्या फायदा होती है। अभी मोदी जी ने क्लियर कर दिया कि वन वर्ल्ड वन हेल्थ, क्या कर दिया, वन वर्ल्ड वन हेल्थ। पूरी दुनिया में भी कोई देश आपको अच्छी चीज़ दे रहा है जो अपने स्वास्थ्य आप ले सकते हैं तो उसको लोअर आप उसमें यहाँ में ये बदला रहा है। तो यहाँ पर क्या है कि वन वर्ल्ड वन फैमिली, पूरी दुनिया एक ही और एक ही फैमिली है। हमें लोगों के स्वास्थ्य के लिए काम करना है, हमें सिर्फ मानवता के लिए काम करना है, इसके लिए करना है। तो ये सेंटर आज खुला है, जोड़ा ताली हमारे अशोक जी के लिए, जिन्होंने ये डिसीजन लिया कि इनके यहाँ के आसपास के लोगों को ज़्यादा स्वास्थ्य मिल सके। तो ये आप सभी लोगों के फायदे के लिए है। यहाँ पर इतना चार्ज लगेगा कि खाली इसका किराया निकल गया, इसका बिजली खर्च निकल गया, इसका ये सब चीज़ें खर्च निकल गया है। बाकी यहाँ पर कोई ऐसा नहीं कि आपसे 20,000 या 10,000 कोई आपसे यहाँ पर दिया जा रहा है, फीस दी जा रही है और आपको सेवाएं दी जा रही है, ऐसा यहाँ पर कुछ नहीं है। कोई यहाँ पर ऑपरेशन नहीं होगा, यहाँ पर कोई चीज़ होगी, यहाँ पर ये बताया जाएगा कि ये बीमारी आपकी बॉडी में आ सकती है या आ गई है तो उसको भी आप क्योर कर सकते हैं, ये सब चीज़ें बताई जाएंगी आपको। कोई यहाँ पर ऐसा नहीं है कि पुड़िया बना ली यहाँ पर जो है और 10 रुपये की पुड़िया बन गई आपको 100 रुपये दी जा रही है, सभी यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर आपको वो चीज़ बताई जाएगी जिससे आप कम पैसों में अपने हेल्थ का स्वास्थ्य का ध्यान रख सकें और अपने जीवन को बहुत अच्छा बना सकें। थैंक यू, आपने समय दिया, आपका समय बहुत कीमती है।